तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी डीडी फ्रीडिस में ऐसा आ रहा नो न्यू चैनल इज फाउंड, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं यही बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको सिग्नल देख लेना कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च कर लेंगे। तो सर्च करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में आसानी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि सर्च यहाँ पर आपका 74% हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है अब। तो सर्च होने के बाद यहाँ पर लिख रहा है नो न्यू चैनल इज फाउंड। अगर आपके भी डीडी फ्रीडिस में ऐसा लिख रहा है, तो आपको इसे ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जाना होगा आपको एंटीना सेटअप में। यहाँ पर आपको एंटीना सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आप इसमें सिग्नल देख लीजिए कि सिग्नल बहुत कम आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एंटीना सेटअप में जाएंगे। इस एंटीना सेटअप में जाने के बाद दोस्तों, आप देखिएगा कि सिग्नल यहाँ पे कम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका ऊपर का जो सैटेलाइट है वो अगर इधर का उधर हो गया, तो आप यहाँ पर कितना भी अपने डिश एंटीना को हिलाएंगे, यहाँ पर सिग्नल नहीं आएगा। तो सिग्नल लाने के लिए एक परफेक्ट सैटेलाइट और नीचे में दिए गए टीपी को परफेक्ट करना होगा, तब आप जा कर के इसमें आप सिग्नल ला सकते हैं। जब आप अपने डिश एंटीना को हिलाइएगा तब सिग्नल आएगा, वरना अगर परफेक्ट नहीं रहा, कितना भी हिलाइएगा सिग्नल नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर करना क्या, 46 नंबर जो है टीपी, वहाँ पर आपको 11089 भी और 29500 अगर आ गया तो यहाँ पर इसे छोड़ दें। और ऊपर में एक नंबर 59 सेटेलाइट है, उसमें से पहला नंबर है, और इसे यहाँ पर सेट करके इसे ऐसे ही रहने दें। और इसके बाद चले जाएं अपने डिश एंटीना के पास और अपना डिश एंटीना को हिलाएं। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने डिश एंटीना के पास और उसे थोड़ा मूव करता हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा कि सिग्नल आता है कि नहीं। मैं बार बार ऊपर जाऊँगा दोस्तों और नीचे आकर देखूँगा। दोस्तों, ऐसे तो सिग्नल लाने का बहुत सारा तरीका है, तो कई सारे तरीका आपको समझ में नहीं आता या फिर आपको वो लेंदी लगता है। तो आप जिस भी मेथड से आप समझ जाएं, वैसा वैसा मेथड मैं आपको बताता रहता हूं। तो हम चलिए हम चलते हैं अपने डिश एंटीना के पास और डिश एंटीना को मूव करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने डिश एंटीना को मूव करके आया हूँ, तो अभी भी सिग्नल नहीं आया है। फिर से मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि सिग्नल आ चुका है। तो यहाँ पर 42% सिग्नल आ चुका है दोस्तों। और अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब सिग्नल आ जाए, अगर आपके टीवी में सारे प्रोग्राम आ रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको ऑटो स्कैन कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि सिग्नल आ चुका है। अगर आप भी इस सैटेलाइट को सिलेक्ट करके 1/59 यानी 1/59 को और नीचे में टीपी को जो है 46 नंबर पे आप अगर 11089 भी प्लस 29500 को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिग्नल लाने में बहुत ही सुविधा होगा। अगर आप दूसरा सैटेलाइट रखते हैं, दूसरा टीपी रखते हैं, और वहाँ पर आप अपने डिश एंटीना को कितना भी हिलाइएगा, ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, यानी कि आपका सिग्नल नहीं आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने डीडी फ्री डिश के MPEG-4 सेटअप बॉक्स में आप सिग्नल ला सकते हैं। सिग्नल लाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ही मैंने टीपी और सैटेलाइट चेंज किया, यहाँ पर सिग्नल भाग गया। सिग्नल भागा नहीं दोस्तों, बस आपका फ्रिक्वेंसी चेंज होने के बाद यहाँ पर सिग्नल नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे ही मैं वो
146 नंबर टीपी करूंगा, यहां पर फिर से सिग्नल चला आएगा। यानी कि यहां पर जो सिग्नल मिल रहा है वो 46 नंबर पे मिल रहा है। तो दोस्तों अगर दूसरा टीपी दूसरा सैटेलाइट पर आप सिग्नल ला भी ले भी आइएगा तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि वह दूसरा फ्रिक्वेंसी पर आपका सिग्नल आएगा दोस्तों। तो जब भी आप कभी सिग्नल लाने का कोशिश करिएगा तो आपको टीपी रखना है 46 नंबर यानी कि 11089 भी प्लस 29500 और ऊपर में सैटेलाइट जो वन है KUNSS-6 SE-8 इसे रखना है, ताकि आप इसमें सिग्नल को काफ़ी आसानी से ला सकें, काफ़ी अच्छा सिग्नल ला सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके डीडी फ्री डिश में ज़्यादा चैनल नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने किया कि यहाँ पर आपको सभी चैनल को डिलीट कर देना और उसके बाद आपको ऑटो स्कैन कर लेना है, यानी कि स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा आपने कि मैंने पूरा चैनल डिलीट कर दिया, उसके बाद भी मैं जब वो सैटेलाइट वो टीवी पर गया तो यहाँ सिग्नल आ रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ठीक कर